हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग आ गए हैं ओम बोधि रिट्रीट रिजॉर्ट में। ये एक पेट फ्रेंडली रिजॉर्ट है और ये गोकर्णा से 15 किलोमीटर दूर स्थित है कुमटा बीच पर। तो आइए देखते हैं इस रिजॉर्ट का एंट्रेंस, जो कि एकदम ग्रीनरी से भरा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा स्पेसियस है। तो चलिए अभी ब्लैकबेरी के साथ इस रिजॉर्ट का टूर करते हैं। एंट्रेंस के बाद ही आपको इधर मिल जाएगा पार्किंग एरिया, जो कि बहुत स्पेसियस है। बहुत सारे कार आप एक साथ पार्क कर सकते हैं इधर। इस रिजॉर्ट में आपको बहुत सारे प्लांट देखने को मिल जाएगा, जैसे हमें सरप्राइजिंगली काजू का प्लांट देखने को मिल गया इधर। चलिए फिर अभी आपको हमारे कॉटेज पे ले चलते हैं। हर कॉटेज के सामने ऐसे ही ट्रेल टाइप का बना है आपके वॉक के लिए। देखिए, ये हमारा कॉटेज है। कॉटेज के बाहर एक सुंदर सा बालकनी है जो कि गेटेड है, तो आप आराम से अपने पेट को इधर छोड़ सकते हैं। हर बालकनी में ये लोग आपको दो चेयर, एक टेबल और सबसे अच्छी बात, आपकी क्लोथ ड्राई करने के लिए एक हैंगर भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं, जो कि बीच साइड के लिए तो बहुत ज़रूरी है। बालकनी के बाहर साइड में एक टैप भी है, ताकि आप बीच से आए तो आराम से आपके पैर धो के आप कॉटेज में एंटर कर सकते, तो आपका रूम भी एकदम साफ सुथरा रहेगा। ब्लैकमेरी ने तो अपना ढेर सारा टाइम इस बालकनी में स्पेंड कर दिया। अपने चारों ओर जंगल, बहुत सारे बर्ड, इवन इधर पीकॉक भी है, ये सब देखते देखते। चलिए अभी आपको हमारे रूम टूर करवाते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, रूम में इन लोग ज़्यादा सामान कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन रूम को बहुत एलिगेंटली और सोबर करके सजा के रखा है इन लोगों ने। इस रूम का मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगा, इस रूम में सारी चीज़, इवन कॉटन के लेस से आपके टॉवल तक, सारी चीज़ वो लोग कॉटन का प्रोवाइड करते हैं, तो आपको होटल जैसा बिल्कुल फील नहीं होगा, आपको एकदम होमली फील होगा। बाकी आपको इस रूम में एक स्पेसियस कबर्ड, एक मिनी फ्रिज, एक टी टेबल और दो साइड टेबल एंड वन क्वीन साइज बेड, और आपको एसी मिल जाएगा। दो या तीन लोगों के लिए ये रूम एकदम परफेक्ट है। अच्छा खासा बाहर आप देख सकते हैं कितना जगह है, तो आपको बिल्कुल भी होटल टाइप का फील नहीं होगा, होमली फील होगा। और हाँ, इस रूम के साथ आपको एक अटैच बाथरूम भी मिलेगा, जो कि बहुत क्लीन है, एकदम क्लीन एंड क्लियर। एंड उस बाथरूम में आपको होटल की तरफ से हैंड वॉश, शावर जेल एंड शैम्पू प्रोवाइड किया जाता है। और इधर गीजर भी है, तो आपको 24/7 गर्म पानी भी मिल जाएगा। तो चलिए अभी चलते हैं कुमटा का मेन अट्रैक्शन, जिसके लिए हम लोग 700 किलोमीटर ड्राइव करके आए हैं, बीच पर। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बजट फ्रेंडली रिजॉर्ट में आपको एक प्राइवेट बीच भी मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रिजॉर्ट एकदम बीच के ऊपर ही है। आप जस्ट इनके रेस्टोरेंट क्रॉस करते हुए ये छोटी सी गेट को क्रॉस करते ही आपका सामने ही बीच आ जाता है। बस और क्या, अभी आप आराम से ब्लैकबेरी के साथ बीच व्यू एंजॉय करिए। बाकी का रिजॉर्ट टूर मैं आपको थोड़ी ही देर में बस करवाती हूँ। आप ही बताइए, ऐसे खाली और सुंदर बीच आपको कहीं पे मिलेगा? हम लोग तो काफ़ी बार गोवा, पुरी, बहुत सारे बीचेस पे गए हैं, लेकिन उधर एक्सपेक्ट करके जाते हैं कि खाली खाली फोटो आएगा, लेकिन आ जाता है पीछे बहुत सारे लोगों के साथ। तो देख लीजिए, ये तो एकदम एक्सपेक्टेशन और रियलिटी एकदम इधर आके मैच कर गया। बहुत ही सुंदर और लेस क्राउडेड बीच है ये। सो इधर हम लोगों के बेबीज भी बहुत एंजॉय किया, क्योंकि लोग या काफ़ी एनिमल्स वगैरह ज़्यादा नहीं था, तो वो लोग देखिए एकदम रिलैक्स होके एंजॉय कर रहे थे इधर।
रिसोर्ट के बाहर भी ऐसे चेयर्स और बेंचेस लगे हुए हैं, आप चाहे तो इधर भी बैठ के अपना कॉफ़ी एंजॉय करते हुए सनसेट सनराइज देख सकते हैं, बीच व्यू एंजॉय कर सकते हैं। अदरवाइज आप अंदर जाके रेस्टोरेंट में बैठ के भी आप पूरा टाइम बीचेस देख सकते हैं, वेव्स देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। रिसोर्ट के रेस्टोरेंट में काफ़ी सारे झूला वगैरह बच्चों के लिए बना हुआ है, तो आपके बच्चे भी बिल्कुल बोर नहीं होंगे, वो भी खूब एंजॉय कर सकते हैं। इधर ब्लैकबेरी को ही देख लीजिए ना, वो लोग ये बेंच में बैठ के ना सुबह के 2 घंटा शाम के 2 घंटा आराम से बिता देता था। उनको बीचेस का व्यू देखना इतना अच्छा लग रहा था उधर बैठ के कि पूछिए मत। इवन इधर के सारे गेस्ट शाम के टाइम पे इधर ही आके सनसेट देखकर इधर बैठ के सबके साथ गप्पे लड़ा के फिर डिनर करके ही वापस जाते थे। ये है उम्बोदी का रिसेप्शन प्लस किचन एंड कवर रेस्टोरेंट। ओपन रेस्टोरेंट तो आपने देख ही लिया है, तो रिसेप्शन के अंदर भी इन लोगों का एक छोटा सा एकदम रेस्टोरेंट है, आप चाहे तो उधर अंदर भी बैठ के आपका डिनर लंच ब्रेकफास्ट एंजॉय कर सकते हैं। उम्बोदी का ओपन रेस्टोरेंट में एक ओपन शावर का भी इन लोगों ने इंतजाम करके रखा है, ताकि आप जब भी बीच से आए तब उधर शावर आप ले सकते हैं। इवन इधर इवनिंग टाइम पे आपके किड्स के लिए ढेर सारे एक्टिविटीज़ है, वो लोग काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ का अरेंजमेंट भी करवाते हैं, तो अगर आप चाहें तो आप अपने किड्स को ये सब भी एंजॉय करा सकते हैं। इवन आपके लिए भी इधर योगा सेशन, साउंड थेरेपी, ऐसे और भी सारे काफ़ी एक्टिविटीज़ ये लोग अरेंज करवाते हैं, तो आप लोग इधर ये सब का भी एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं इधर का लॉबी एरिया, जो कि रिसेप्शन के पास में ही है। इवन इस लॉबी एरिया में आपको एक वॉशरूम भी मिल जाएगा। अगर आप ओपनली बाथ नहीं लेना चाहते तो आप इस वॉशरूम का इस्तेमाल करके भी बाथ ले सकते हैं, और अदरवाइज आप सिंपल वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं उम्बोदी का रिसेप्शन अंदर से ऐसे दिखता है। इधर का और भी एक अच्छी बात यह है, इधर के स्टाफ बहुत अच्छे हैं, आपके साथ बिहेवियर वाइज आपको हर एक हेल्प करने में वो लोग हमेशा आगे रहते हैं, तो सर्विस को लेकर आपको कभी भी इधर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। हमारे लिए सबसे अच्छी बात ये है कि ये रिसोर्ट बहुत ही ज़्यादा स्पेसियस है, तो हम जैसे पेट पेरेंट्स के लिए ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हम हमारे पेट को अच्छे से इधर घुमा सकते हैं, हमारे बच्चे चल सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, तो ये हम लोग के लिए सबसे अच्छी बात थी। इधर सिर्फ कॉटेज ही नहीं है, इधर सिंगल रूम्स भी अवेलेबल है। अगर आपको कॉटेज नहीं चाहिए तो आप सिंगल रूम भी अपने लिए इधर बुक कर सकते हैं। ये जो सारे आपको दिख रहे हैं, ये इन लोगों का सिंगल रूम है, जो कि एक अटैच बालकनी और एक वॉशरूम के साथ आता है, और ये सारे रूम बीच व्यू भी है। उम्बोदी का प्रॉपर्टी बहुत ही बड़ा है, तो इधर कॉटेज अभी आपको 2-3 टाइप का मिल जाएगा, जैसे कि एक आ जाता है आपका गार्डन व्यू, एक आ जाता है आपका बीच व्यू। तो हम लोगों का जो कॉटेज था वो गार्डन व्यू था, अगर आपको बीच व्यू भी चाहिए तो आप इधर से आराम से बुक कर सकते हैं। सो आई होप आपको भी ये रिजॉर्ट बहुत अच्छा लगा, जरूर आइए घूमने इधर।
एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।